वही दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद तलघरों के कोचिंग सेंटर्स का लगातार निरीक्षण हो रहा है। इस दौरान जिन कोचिंग सेंटर्स में अनियमितताएं पाई जा रही हैं, उन्हें सील भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुना शहर में कलेक्टर सत्येंद्र सिंह द्वारा शहर का भ्रमण कर तलघरों में नियमों को ताक पर रखकर संचालित हो रहे कोचिंग सेंटर्स का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बोहरा कॉम्प्लेक्स सहित अन्य बेसमेंट के अंदर संचालित हो रही कोचिंग सेंटर, मोबाइल शॉप, गोदाम आदि सभी बेसमेंट को अंदर से देखा गया और संचालकों से बात भी की गई। वहीं अवैध तरीके से सड़कों पर रखे विज्ञापन बोर्डों को भी हटवाया गया। उसी कड़ी में पिछले कई दिन से लगातार नगर पालिका द्वारा बेसमेंट का निरीक्षण कराया जा रहा था, पुराने भवन का निरीक्षण कराया जा रहा था। उसी कड़ी में आज हमने पूरी टीम देख करके और देखा हुआ है, हमने देखा अरे साथ ही देखा हुआ है किस तरह से कोचिंग सेंटर्स गलत तरीके से चल रहे हैं, जहाँ पर ट्यूशन नहीं है, कमर्शियल एरिया नहीं है, वहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया में कोचिंग चल रही, एक एक कमरे में 50-50, 60-60 बच्चे भरे हुए हैं और उतना लोड बिल्डिंग रहने की स्थिति में नहीं है। सेम टाइप से जो आपको सब्जी मंडी में देखा या जो गोरा मस्जिद के अलग कैंपस है वहाँ पर देखा हुआ है, उससे जो जगह हैं वहाँ पर देखा हुआ, बहुत सारी जगह हमारे पास ऐसी मिली है मुलाक जहाँ पर हम जो है वो नियम विरुद्ध तरीके से या तो दुकान में कोचिंग चला रहे हैं या तंगर में कोचिंग चला रहे हैं या गलत जगहों पर वो स्कूल चला रहे हैं, तो आज उन सारी चीज़ों को देखा गया है और अभी नगर पालिका को बोला गया है कल उसको जारी करेंगे और साथ में जो स्कूल गलत तरीके से चल रहा है उसको मान्यता चेक कराने के लिए डीओ को निर्देशित किया, डीओ मौके पर पहुँच चुके हैं। तो इसी तरह से आप लोगों ने शिकायत की थी कि जो हर्षमंडी स्कूल है एक्सप्रेस स्कूल के बगल में यहाँ पे गुटखा और बहुत सारे जो है लेडीज सिगरेट वगैरह बेची जा रही है।